अगर विराट कोहली पर कोई इल्जाम लगे तो ट्वीट करते हैं, लेकिन हजारों मुसलमानों के जनाजे उठ रहे हैं, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, पैगंबर की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। हमारे मुंह में जबान है, हम किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें इसकी परमिशन नहीं देता कि हम मुसलमानों को आज जिंदा दिल कौम बनने की जरूरत है। जिंदा दिल कौम थी, जिंदा दिल बनने की जरूरत है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ हमारे रसूल हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर खासकर दो कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, एक कौम में मुस्लिम, एक कौम में दलित, इन दोनों जात वालों को टारगेट किया जा रहा है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केवीआर यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, सूरत खजाना, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर, स्मार्ट सुपर बाजार एंड बाय इजी बाय एट ऑर्किड मॉल। इस आवारा पार्लियामेंट को हम सुधारना चाहते हैं तो सड़कों पे उतरना जरूरी है, एहतजाज करना जरूरी है, बंद करना जरूरी है, रास्ते रोको करना जरूरी है, और अपने नारे बुलंद करते हुए अपने हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर 2021 जुमा के दिन बाद नमाज जुमा गुलबर्गा शरीफ में एक त्रिपुरा के मुसलमानों और वहाँ के लोगों पर जो जुल्म बर्बरियत का शिकार बनाया गया है, और वहाँ पर जिस अंदाज से, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर कोई ज़रा बराबर भी अपने दिल में एहसास रखने वाला इंसान है तो उन मनाजिर को देख नहीं पाएगा, और वहाँ जो चीज़ें हुई हैं यकीनन ये काबिले मज़म्मत है। तो गुलबर्गा में एक एहतजाजी जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा गया है, कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने शिरकत की, और बड़े सुकून इत्मीनान के साथ में लोगों ने जो है अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की। मैं सारे लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि हम मुसलमानों को आज जिंदा दिल कौम बनने की ज़रूरत है। जिंदा दिल कौम थी, जिंदा दिल बनने की ज़रूरत है, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ हमारे रसूल हैं। इंशाल्लाह हमको बड़े सुकून इत्मीनान के साथ में आज हमारा एहतजाज रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये भी कहूँगा कि हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि खुदा के वास्ते ऐसे मामलात को वो ना होने दें, वरना पूरे मुल्क का अमन व सुकून ख़त्म हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का अमन व सुकून ख़त्म हो जाए, हम हिंदुस्तान को अमन व सुकून का गहवारा बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद है हिंदुस्तान अमन व सुकून का गहवारा बने, हर किसी को अपने ज़िंदगी गुजारने का हक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो कोई और मज़हब का फॉलो करने वाला हो, हर किसी को जो है उसको अपने मज़हब के ऊपर कायम रख के ज़िंदगी गुजारने का उसको हक है। हमारी यही तालीम इस्लाम की है, यही हमारे मज़हब की तालीम है, और हम यही चाहते हैं कि हर किसी को अपने मज़हब पर जो है रहने के साथ साथ उसको ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। आखिर में मैं बस एक बात ये कहूँगा, जिस तरह से त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, आज आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, कई ऐसे एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने मसाइल पर सड़कों पर उतर आते हैं, तो जो मुसलमानों को जो मारा जा रहा है तो एक स्टेटमेंट तक वो लोगों का नहीं आता, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुसलमानों को। यही तो अफसोसनाक बात है, यही तो अफसोसनाक बात है। आज मैं स्टेज से भी यही बोला कि जो लोग घरों में हैं, आज घरों में मत रहिए, कौम के वास्ते तुम लोग आवाज़ें जब बुलंद करते हैं, कौम की जब बात है तो रोडों पे आ जाइए। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का क्यों किसी पार्टी को मैं पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा, चाहे किसी भी इसका रहो, कौम की जब बात आई तो हम लोगों को जो है ना आना है, चाहे मुल्क की बात आए तो भी आना है इंशाल्लाह, तमाम पार्टियों, हर पार्टी वालों के लिए इंशाल्लाह। आवाम कहूंगा कि हमें बेदार होने, शऊरमंद होने की जरूरत है, एक बात ये कहूँगा। दूसरी बात ये कहूँगा, हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की ज़रूरत है। तीसरी बात ये कहूँगा कि हमको हमारे दिलों को बेदार करना, जिंदा जावीद बन के रहने की ज़रूरत है। बस ये तीन बातें मैं सबसे कहूँगा, शऊर में आएँ,
और महसूस करें कि कौन किस वक्त में कैसा आके आपको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। हम अपने अकल और शौर के साथ में काम करें। बार जुमा की नमाज के बाद रजा अकेडमी के मातहत एक प्रोटेस्ट रखा गया, जो त्रिपुरा में इंसानियत पर जो जुल्म हो रहा है, इंसानियत पर जो ज़्यादती हो रही है, मस्जिदों को नजर आतिश किया जा रहा है, पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की जा रही है, कुरान पाक को जलाया जा रहा है, आज हिंदुस्तान के अंदर खासकर दो कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, एक कौम मुस्लिम एक कौम दलित, इन दोनों जात वालों को टारगेट किया जा रहा है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। वो सेकुलर पार्टियां जो हमारे वोट लेने आती हैं, अगर विराट कोहली पर कोई इल्जाम लगे तो ट्वीट करते हैं, लेकिन हजारों मुसलमानों के जनाजे उठ रहे हैं, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, पैगंबर की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। हमारे मुंह में जबान है, हम किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें इसकी परमिशन नहीं देता कि तुम औरों के खुदाओं को बुरा बोलो, औरों के भगवानों को बुरा बोलो, औरों के मसीहा को बुरा बोलो। हम हुकूमत हिंद से एक गुजारिश करते हैं, जो दरिंदे त्रिपुरा में शैतानियत मचाए हुए हैं, जो मस्जिदों पर जुल्म कर रहे हैं, इनको रोका जाए। हम आप ज़्यादा देर खामोश बैठने वाली कौम नहीं है। जब हमने हर मामले में हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन दरिंदों पर एक्शन लिया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला दी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जो आज जो एहतजाज किया गया है, वो एहतजाज बड़े ही कम वक्त में जो है ना ऐलान हुआ, और अल्लाह की फजल से जो है ना बहुत लोग आज जमा हुए मुस्लिम चौक पर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब कामयाब एहतजाज रहा। एहतजाज के इसे जो है ना हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम जो है ना इंसानियत का मज़हब है, इंसानियत सिखाता है, और यहाँ इस्लाम में ये चीज़ तक है कि अगर कीड़े को भी अगर मारा जाता है तो उस पर भी जो है ना हमको तकलीफ़ होती है। तो यहाँ तो त्रिपुरा में एक आम इंसानियत का कत्ल हो रहा है, तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वहाँ की हुकूमत को जो है ना बर्खास्त कर कर क्या पॉइंट्स आपने लिखे हैं, क्या क्या मुतालबे किए हैं? वही मेमोरेंडम में हम ये मुतालबा किए हैं कि जो हमारी मस्जिद को नज़र आतिश किया गया है, उसको पहले जो है ना जो ये करे हैं VHP वाले, तो उनको जो है ना वो जो तंजीम है उसको जो है ना पहले बैन किया जाए। तुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद ख़याम अली, खादिम रज़ा एकेडमी शाह गुलबर्गा। आज ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि त्रिपुरा के जो आवाम के साथ जो इंसानियत का जो कत्ल किया गया, जिस तरीके से मुसलमानों के इबादत गाहों को तोड़ा गया और जला दिया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, इस तरीके से इंसानियत की बहुत बड़ा कत्ल हुआ सो है। इसलिए हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस यहाँ पर जो है ना गवर्नर राज कायम करें, और इनके ऊपर फिरका परस्त ताकतें ये तंजीमें हैं जो इनका साथ दिए हैं, उन पर पाबंदी लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBR University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbu Lighting and Furniture, SMR Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall.